तो काका साहब ने मेरी जो टी शर्ट है वो फेंक दिया दही के अंदर, और फिर अगर उसकी माँ ने उसमें से निकाली तो दोबारा उसने उसमें फेंक दी। क्या मतलब मैं क्या बोलूँ उस काका साहब को, काका साहब ने मुझे मतलब ये देखें वॉश टी शर्ट थी मेरी जो मैंने अभी पहनी थी, कल पहनी थी सिर्फ रात को, और मैच खेला था, और उसके साथ काका साहब ने ये हाल कर दिया है। उसके अलावा आपको बताता चलूं अफ्तारी का टाइम होने वाला है बस जी, मौलवी साहब क्यों अब कह देंगे रात एक बार फिर टूट पड़ो, कोशिश करो कि जल्द जल्द रोज़ा अफ्तार कर लो। तो खैर जी रोज़ा अफ्तारी का टाइम भी हो गया, काका साहब ने टी शर्ट ये वाली गंदी कर दी, ये वाली टी शर्ट पहन के गुजारा कर रहा हूँ, थोड़ी देर में नहाऊं धोऊंगा कपड़े चेंज करूंगा। उसके अलावा एक जगह जाना है, आज एक दोस्त है उसने मुझे शहरी पे इनवाइट किया है, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है आज फर्स्ट अप्रैल है, कहीं अप्रैल फूल ना हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, वरना टायर्ड फिश हो जाएगी। तो खैर देखते हैं, पर फिर जाना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, जाए बगैर गुजारा नहीं है, अगर आगे बिस्ती हुई तो फिर अल्लाह को मंजूर, वो तो फिर हम सबकी होगी, मेरी होगी, इकट्ठी होगी, बराबर होगी। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं इस दौर में, कि आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी तरफ से सलाम अलैकुम और शाम बखैर, ब्लॉग शुरू करते हैं। आज ये इफ्तारी के अंदर देखें जी, चना चाट बनी है, दही बल्ले हैं और ये चिप्स है। One eternity later. का भैया तैयार फुली अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त की तरह मैं जाने लगा हूँ, रात के दिन में 10:45 का टाइम हो रहा है, और अगर तो हुआ मजा अप्रैल फुल हुआ तो उसको पड़ेगी बोलता था गाली, लेकिन ऑफ द कैमरा, लेकिन अगर हुआ जेन्युइन तो आपको वहाँ की रौनक मेला और एंजॉय जो भी होगा आप सबको शेयर करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको भी मजा आएगा और मुझे तो यकीनन मजा आएगा ना। खैर निकल देखिए आ चुकी है, आए चले काका साहब, टाटा टाटा साइड पर बेगम साहब, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, मेरी तस्वीर कहाँ पे, यहाँ पे पड़ी थी, मैं अपनी तस्वीर ले लूँ, बस तस्वीर भूल गया था। One hour later. जन मैं तो पहुँच गया हूँ और राइड मेरी जो है वो चली गई है, लेकिन जो मुझे हालात लग रहे हैं ये देखें, सुनसान बियाबान, मुझे नहीं लग रहा कि कोई इधर इफ्तार पार्टी आज है, ड्रामा ही हुआ मेरे साथ मुझे तो लग रहा है, लेकिन खैर चलते हैं, चल के अब जो भी भांडा फोड़ेंगे आज तो हमने तो सहरी तो उधर ही करने। नाजरीन देख रहे हैं हम, कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत तकलीफ होती है अब वो है जी, असल में अप्रैल फूल मेरे साथ के जी, असल में सहरी का प्रोग्राम है हैं जी, हां जी कंफर्म है ना, सहरी करा रहे हो इंशाल्लाह, अल्लाह की कसम खा के इतने तमाम हुआ ना, मेरे भाग टूट गए थे, मैंने कहा आज फिर सहरी पता नहीं कैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी सिटिंग अरेंजमेंट लगा हुआ है, अफराद आएंगे तो सहरी यहीं भी होगी इंशाल्लाह, क्यों शेखर इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जी, बस ये अब थोड़ा बहुत शुगल मेला अपना करते हैं इंशाल्लाह ताला, बैठते हैं भी आपको गपशप दिखाते हैं। Okay. भाई जान 12 बज गए रात के और अभी तक शेख साहब का कोई और मेहमान नहीं है, मैं वही मेहमान हूँ, जनवन मुझे लग रहा था कि अप्रैल फूल हो गया मेरे साथ, मेरे कहानी पड़ गई है, वह यूं कुछ के जी मैं आया तो मैं ना इधर शेख साहब के घर की भी लाइट ऑफ थी और साथ वाला जो घर ना वो शेख कमरान साहब का अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं उधर मुझे ना शेख बासी साहब के अंदर से आवाज आई, मैं उस घर के अंदर गया तो आगे शेख साहब मिल गए, शेख साहब के साथ फिर थोड़ी वहाँ पे शुगल मिला, मैंने कहा यार शेख साहब आपने अच्छा मेरा मजाक किया अप्रैल फूल आपने कर दिया, खैर शेख साहब ने वहां पर भी मिलाया कामरान शेख साहब को फोन, और उनको कहते हैं कि जी तनसीर को सुबह ही पता लगा था कि उसके साथ अप्रैल फूल हुआ है जब शेख साहब के घर आए तो आगे शेख साहब ने तमाम सारा किया था, वहां पे मेरे साथ असल में अप्रैल फूल मेरे साथ हुआ ये कि जी एहतमाम सारा किया हुआ था, मुझे उन्होंने छेड़ा तंग किया, तो खैर एहतमाम मैंने आपको दिखाया, अब ये शेख साहब लेके हैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें लेके हैं, बस ये थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला शेख साहब का और दूसरे अहलो याल जो दोस्त है बाप हमारे आ रहे हैं उनका इंतजार करते हैं। ये हैं हमारे गुजर बादशाह और ये बाकी जितने भी हैं ना ये सब इनसे बेइज्जत होने हैं, ने जुगता करनी है ना सानू सारे, ये हमारे भाई हैं, हमारी जान है, इनका प्यार है, हम तो इनके साथ मोहब्बत करते हैं, ये जुगत समझें जो भी समझें, हमारी मोहब्बत है इनके साथ, नो डाउट नो डाउट जी, ये जो गुजर बादशाह जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े प्यार करने वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनसे ये आज रात को बड़ा शुगल, अभी जो थोड़ा देर बाद जो शुगल मेरा लगे ना जिदी जिदी भी हरेगी इन्हां दे इत्थों हरेगी, ओ भावें मैं आवां ते भावें कोई होर है, ओले आवार मेरी भैन भरा ने कही है ना जी, मगर इंसान भावें जिहड़े मन्ने चले मेरे नैन हो मेरी वीडियो बना ले मोर कहने सवेरे चोले नु कहना मेरा वड्डा भरा है बड़ा अच्छा है मेरे को मैंने दो कुलचे नाल चढ़ा दे अगले दी वीडियो आ के डाउनलोड करके कहना मेरा मुंडा ना बड़ा मशहूर है लोगों ने मैं कह रहा लोर दा बाबा तां लावा यार ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ
अच्छा जी हफ्ते दे विच एक 1 मिलियन हो सकता है बुझियो क्यों इनू किधरे पासो वीडियो शीडियो ना ना लभे जिवें कैचर लाए आप ही बिना मतलब बन सकदा है इधर कैचर कुछ ला के अपनी वीडियो सुट दवे लेकिन नादिन एक आदत फिक्की भी चलती है बीच में ये नान चिकन पाए और हरीसा और ये शेख साहब खाने लगे और यहाँ भारी हो रही है गुजर बादशाह का हरीसा तो फिर गुजर बादशाह कहता मेरा ढिड निकल गया लोग बन दिया ये जी हमारे भाई तनसीर को लाइक करें फॉलो करें और जितने जिन जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया होगा खुदा वास्ते सब बगैर सब्सक्राइब के इसे छोड़ें कोई इसे सब्सक्राइब ना करे कोई इसे लाइक ना करे कोई फॉलो ना करे इंशाल्लाह आपके मोबाइल में एनर्जी पैदा हो जाएगी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आनी गुजरे नहीं हो रही नहीं गल बन रही नहीं गल बन हूँ नींद आ रही उनका घर जाने दिल आ रहे महफिल हो रही है बर्खास्त अफराद जाने लग पड़े हैं हम भी बस निकलते हैं थोड़ी देर में ये चेक करें जी कामरान शेख साहब जा रहे हैं इनको मिलते हैं देखें जी शेखों की खसूसियत यही होती है उनको पता था सब कुछ मुफ्त में है तो साथ में देखिए अपने बच्चों को भी ले आए ओके शेख साहब थैंक यू आप आए आपने इफ्तारी शहरी का बेड़ा कर किया आपको बहुत शुक्रिया ओके जी ओए हाथ मिला लाए और डब खड़बे इंसान दे डब खड़बे बच्चे इमोशनल डैमेज बहुत शुक्रिया गुजर साहब थैंक यू राणा साहब थैंक यू सो वेरी मच जी शानी भाई दी ग्रेट शानी भाई आपके साथ जो महफिल अपनी लगती है ना वो मिस की है मैंने बड़ी सर अल्लाह हाफिज सर शेख साहब जनाब ले जी शेख साहब ने अप्रैल फूल नहीं किया सहरी करवाई है सहरी सारे खा पी के चले जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्होंने हमें सहरी के लिए इनवाइट किया इनकी मोहब्बतों का इनकी चाहतों का शुक्रिया अल्लाह पाक इनके इश्क में बरकत रहमत अता फरमाए आमीन बहुत पप्पी एक पप्पी एक पप्पी भी बनती है एक पप्पी ये ले जी ले जी थैंक यू सो वेरी मच जी अल्लाह हाफिज जी शेख साहब शेख साहब शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज अल्लाह आने का आपके प्यार का और आपके टाइम देने का बहुत ये आप अपना मोबाइल ले लीजिए टॉर्च वाला बहुत आपका शेख साहब बुलाने का चाहत का शुक्रिया शेख साहब के बुलाने का शुक्रिया और आपने फर्स्ट अप्रैल को बुलाया यकीन करेंगे अप्रैल फूल ही था लेकिन आपकी मेहरबानी थोड़ा सा हुआ था जेन्युइन बात है अप्रैल फूल थैंक यू बासी साहब की तरफ से सहरी करके सब लोग अपने अपने घरों को निकल चुके हैं और मैं और जो चंद दोस्त आपने देखे हैं मेरे वो जो दोस्त थे वो मेरे बाद अभी निकलेंगे उनकी गाड़ी आ चुकी थी लेकिन मेरी राइड पहले आ गई तो मैं भी निकल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि घर चलते हैं घर चल के इंशाल्लाह ताला आराम करेंगे और नमाज बल्कि भी रहेगी नमाज फजर की अदा करनी है इंशाल्लाह ताला तो फजर की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आराम करेंगे तो बाकी है कि आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोगों का आज का दिन खैरियत से गुजरा होगा और आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा बशर्ते जिंदगी कल लाजमी मुलाकात होगी किसी नए जगह पर किसी नए मुकाम पर किसी नए काम के सिलसिले में तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मेरी दुआ में याद रखें तोहफ़तन हदीयतन अकीदतन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और शब्बा खैर